हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर पावर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आकांक्षा है। आज हम इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज आपकी फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा और आप हो, ठीक है। और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर्स हैं, वो टोटल वोट हम लोग मान के चलते हैं 100%, ठीक है। सपोज टोटल वोट्स कितने होंगे 100%, दैट मींस आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल लोग हैं 100%। अब उसमें आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो, आपका नेटिव प्लेस जो है वहाँ पे आप वोट डालने नहीं गए, दैट मीन्स आपका वोट कास्ट नहीं हुआ। तो सपोज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ही 15% लोग हैं जो वोट डालने ही नहीं गए, वोट कास्ट ही नहीं हुआ। तो 15% वोट कास्ट नहीं हुआ तो 85% वोट कास्ट हुआ। फिर इसके बाद अब आपके घर में कौन बचे? दादा दादी, मम्मी पापा। अब जो वोट डालने गए तो दादाजी से गलती हो गई, उनका वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। कैसे हो गया कि उन्होंने जो प्रेस किया बटन, दो बटन पे एक साथ प्रेस हो गया, तो वो वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। तो सपोज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% ऐसे वोट थे जो इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे? 90% वोट वैलिड बचे। तो 90% वोट वैलिड बचे जितने कास्ट हुए थे 85% का। तो ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए, ठीक है। अब वैलिड वोट्स में दो प्रत्याशी खड़े हुए, ए और बी। ए को 60% वोट मिलते हैं और बी को 40% मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते नहीं है, अगर ए जीतता है तो हम लोग बोलते हैं कि 2000 वोट से ए जीता। तो इसका मींस क्या है कि ए के वोटों की संख्या बी से 2000 अधिक है। ए के वोटों की संख्या बी से 2000 अधिक है, ये 60%, ये 40%, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है? 2000 ज़्यादा है। तो 2000 कैसे निकला? ए के वोटर्स जितने भी हैं और बी के, इनका डिफरेंस, ठीक है, ए माइनस बी, ये 2000, ठीक। अब जब ये समझ में आ गया तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, मीन्स उसमें से आप शामिल हो 20% में, क्योंकि आप भी वोट डालने नहीं गए थे। 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब आपका दादाजी का वोट जो था वो इनवैलिड हो गया था, अवैध घोषित कर दिए गए, और विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, मतलब कि 60% ऑफ वैलिड वोट वो विनर को मिले, और जीता कितने वोटों से है? 5600 वोटों से। जैसे उसमें 2000 वोटों से जीता था तो यहाँ पर 5600 वोट से जीता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक लाइन में टी, टोटल वोट्स हमने ले लिए टी। अब इसमें वोट कास्ट कितने हुए हैं? 80%। कास्ट नहीं हुए 20% है, तो कास्ट हुए 80%, 80/100। फिर 12.5% इनवैलिड थे, 12.5%, आपको पता है ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 12.5% का फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/8। तो ये जब इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे? 1 - 1/8, 7/8, ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए। तो 7/8 ये हमारा कास्ट था, ये वैलिड वोट्स। अब क्या बोला है? 60% ऑफ द वैलिड वोट्स का 60% विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला? 40%।
तो उन और ज्यादा कितने वोटों से, 56%। मतलब उनका डिफरेंस डिफरेंस कितना हुआ, 20% हुआ ना, 60 माइनस 40, तो 20/100 कितने से ज्यादा है, 5600 से ज्यादा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। T into 7 से 800, ये 5 टाइम्स, T is equal to 800 into 5 into 10, तो हमारा क्या आ गया, 40,000। ओके, आई होप कैलकुलेशन तो आप कर ही लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, दो कैंडिडेट ने भाग लिया जिसमें कि 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, 15% कास्ट ही नहीं किया वोट। ठीक है, मतलब आप भी आ रहे हो। फिर 3900 मत अवैध घोषित किए गए, मतलब इनवैलिड हो गए, तो इसमें टोटल वोट्स हम क्या लेंगे, टी। कितने लोगों ने कास्ट नहीं किया, 15%, तो कास्ट कितने किया, 100 माइनस 15, 85/100। फिर इसके बाद 3900 वोट्स इनवैलिड थे, 3900 इनवैलिड थे, ये कास्ट किए गए। अब वैलिड कितने होंगे, कास्ट में से इनवैलिड घटा देंगे, तो ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए। अब जब ये वैलिड वोट्स आ गए, अब इसमें बोला है 57% ऑफ द वैलिड वोट्स विनर को मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 43%। 57% विनर के हैं, तो लूजर के कितने होंगे, 100 माइनस 57, दैट मीन्स 43%। ओके, 43% हो गए। अब लेकिन वो जीता कितने से है, कितने से जीता है, 57 माइनस 43%, दैट मीन्स 14%, 14% से जीता है। तो 14/100 इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं, 1120। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डरना नहीं है, कैलकुलेशन से इजी है। 85/100 किससे जाएगा, 5 से, 5 × 5, 5 × 35, 17/20। फिर इधर ये 14 से, 8 टाइम्स 80 इज इक्वल टू 80 × 100, ये यहाँ गया, प्लस 3900। ओके, तो 8000 + 3900, 11900। फिर टी की वैल्यू क्या आएगी, 20 इधर आ गया, अपॉन 17, ये 7 टाइम्स जाएगा, तो 700 × 20, 14,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं और आप इसका आंसर कमेंट में करोगे। ठीक है, थैंक यू।